अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्यूमील के किचन में आपको खुश आमदीद करते हैं एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये सर्दियों का मौसम है तो गरम गरम चीज़ें, ब्रेड और बन और बर्गर्स, इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको आज स्वीट बन की रेसिपी आपके साथ शेयर करें। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, चाय के साथ बटर लगा के और दूध के साथ बच्चों को बटर लगा के दें, बड़े इंजॉय करें इसको। और सुबह सुबह के नाश्ते में बड़ा फ्रेश इसके फील होता है कि आपके घर के बने हुए अच्छे से होममेड बन हो और आप उसको एंजॉय करें। इसमें जो स्वीट मीठे का ऑप्शन है, हम मीठे स्वीट बन की रेसिपी दे रहे हैं आपको। मैं सादे बन की भी बहुत सारी रेसिपीज़ दूंगी, बर्गर्स के बन होंगे, सिंपल बन होंगे और गार्लिक ब्रेड होगी इसमें। तो आप चाहें तो इसमें शुगर जो है वो स्किप कर दीजिएगा, मत डालिएगा, कम डालिएगा, 1 टेबल स्पून डालिएगा। लेकिन अगर आप रेसिपी को जिस तरह मैं बता रही हूँ इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपके स्वीट बन बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा, इसमें जो चीज़ें जा रही हैं वो हमारे पास है, देखें ये 1 पिंच हमारे पास है सॉल्ट, और वेनिला एसेंस है तकरीबन 1/4 टीस्पून, और फूड कलर 1 पिंच, ये डिपेंड करता है, कलर ज़्यादा फास्ट पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रेड्स में और बन में यूज़ हो रही होती है, जिससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आपको जैसे बाज़ारों में मिल रहे होते हैं बन, वो जो है वो मुनिया के साथ उसको कर रहे होते रेस बर्गर और बन को, हम लोग वो ब्रेड इम्प्रूवर यूज़ कर रहे होते, तो इसका ये इतना नुकसानदेह नहीं होता हेल्थ के लिए। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ईस्ट, जो इंस्टेंट है, आप चाहें तो इंस्टेंट ले लें, आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं कि जिसको आपको प्रूफ करना पड़ता है, इसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी प्रूफिंग के लिए छोड़ेंगे इसको। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें है मिल्क पाउडर, ये 1/4 मिल्क है, जो नॉर्मल मिल्क हमारे घर में दूध आ रहा था उसको हल्का सा हमने वार्म करके इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, बहुत हॉट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये 1/4 कप 2 टेबल स्पून ऑयल है, ठीक है। ये किस तरह से जाएगा, वक्तन फवक्तन में सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, आप पहले चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। 1 टीस्पून बटर जाएगा इसमें फॉर टेस्टिंग के लिए, फॉर सॉफ्टनेस के लिए, और बहुत इसका अच्छा सा एक फ्लेवर है, एक अरोमा आता है। अच्छा, 3 टेबल स्पून इसमें मेजर करके लेवल करके हमने लिया है, घर की आम जो चीनी होती है वो पीसी हुई, 3 टेबल स्पून। फॉर गार्निशिंग करेंगे जब तो दिखाएंगे आपको, शर्फियाँ चाहिए फॉर गार्निशिंग। अच्छा, ये चाहिए हमारे पास है 1/4 कप जो है वार्म वाटर है, ठीक है, जिसको आपको पता है कि ईस्ट को एक्टिवेट करना होता है तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं। 1 कप आपने मैदा लेना है। अब आप 1 कप मैदे के साथ देखिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि ग्रामेज किस तरह से हम करते हैं और इवनली सारे जो बन हैं वो बनेंगे और उनकी ग्रामेज कितनी होगी, और तकरीबन अराउंड कुछ 8 to 10 हमारी कोशिश होगी, 30 ग्राम्स का ईच लेके हम बन बनाएं। छोटे डिनर रोल स्टाइल के होते हैं ये, छोटे साइज़ में, बच्चों को आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, और घर में आप भी कोई आ जाए आपके पास गेस्ट तो आप छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेट करें बाइट साइज़, तो वो अच्छी लग रही होती है, ठीक है ना। तो ये 1 कप मैदा है हमारे पास। अब मैं आपको इसकी बताती हूँ कि इसको हमने एक्टिवेट किस तरह से करना है अपने ईस्ट को। नॉर्मली आप देखते हैं कि जिस तरीके से हम एक अलग से बर्तन ले लेते हैं और इसके अंदर हम जो है ये सारी चीज़ें शामिल करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने किस तरीके से एक्टिवेट करना है। हर चीज़ गर्म होनी चाहिए, बस ये देखिएगा आप कि दूध और पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए, बहुत हॉट नहीं, वार्म वाटर होना चाहिए कि आप उंगली डिप करें इसमें तो आपकी उंगली को गर्म महसूस हो। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका, हमारी ज़रा प्रेजेंटेशन में हमारी टाइम लग रहा होता है डेमोन्स्ट्रेशन में, तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अच्छा, आप देखिए, मैंने कहा आपके समझ होता है ना, हल्का सा वार्म इतना होना चाहिए कि जब आप इसमें उंगली ऐसे डिप करें तो आपकी उंगली को गर्म महसूस हो लेकिन जले नहीं उंगली। अब हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को जो जो चीज़ों को मिक्स करना है, पानी चला गया हमारे पास, इसी में हम ये दूध शामिल कर देंगे, 1/4 कप पानी है। अच्छा, इसी में हम ये 3 टेबल स्पून चीनी जो है हमारी ये पिसी भी इसमें डाल देंगे, इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे हल्का सा ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। इसी में हम ये मिल्क पाउडर डाल देंगे, ये मैं आपको ईजिएस्ट वे बताती हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ बनाने में ना प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हम ये बटर भी इसी में डाल देंगे तो ये हल्का सा मेल्ट होगा, भी नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये सॉल्ट हम डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, बस सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है और बनाते जाना है। अच्छा, हम इसमें 1 टीस्पून खाली डालेंगे ऑयल, बाकी हम लोग छोड़ेंगे इसमें डालने के लिए। अच्छा, ईस्ट हम इसके अंदर इस और डाल देंगे, ठीक है, इसको लाइव करने के लिए ईस्ट को।
अच्छा अभी हमने ब्रेड इम्प्रूवर ये देखे छोड़ दिया है, ये और मैदे को हम शामिल करेंगे, उसमें क्या चीज़ जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ। बस इसको हमने मिक्स करना है और इम्प्रूव करने के लिए हमने इसको ढक के छोड़ देना है 10 मिनट। अच्छा अब ये देखिए व्यूअर्स, ये जो मैंने आपके सामने रखने प्रूफ करने के लिए रखा था ये हो चुका। बस हमने इसको हल्का सा मिक्स किया, बाकी की चीज़ें मैं आपके सामने कर रही हूँ इसीलिए। ये देखिए बटर थोड़ा सा नहीं भी हुआ कोई इशू नहीं, ये हमने सारा इसमें निकाल लिया एक बाउल में, क्योंकि हमें अब इसको गूंदना है। गूंदने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए ये अब इस टाइम पे हमने इसमें फूड कलर डाल दिया, ताकि अगर हमें अंदाज़ा हो जाए, लिक्विड में आसानी से हो जाता है, आपके पास लिक्विड है तो आप लिक्विड डाल दीजिए। ये वैनिला एसेंस डाल दिया हमने, बिल्कुल ये बाजार जैसा आपको लुक देगा। अच्छा ये ब्रेड इम्प्रूवर अभी नहीं डाला, ये अभी मैं बताती हूँ आपको इसको हमने क्या करना है। ब्रेड इम्प्रूवर को हमने मैदे में मिलाया, मिक्स किया और इसको हमने कुछ नहीं करना, हल्का सा हमने बस इसको ऐसे मिक्स करना है, क्योंकि जब ये गूंदेगा, बस ये हल्का सा हमने मिक्स करके इसको अभी साइड में रखते हैं। इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने हल्का सा मिक्स करके कलर को देख लिया, चेक कर लिया, मुझे इतना ही लाइट कलर चाहिए, मैं कलर और नहीं डालूँगी। आपको अगर कलर का और इजाफा करना है तो आप और डाल दीजिए उसमें, अगर आपको और ज़्यादा फास्ट कलर चाहिए। अब हमने क्या करना है इसमें ग्रेजुअली इसको मिक्स करना है, ग्रेजुअली क्या आप एक साथ ही डाल दीजिए बस। असल में केक के अंदर हम ग्रेजुअली कर रहे होते हैं, बाद में हमें इतना इशू नहीं होता, क्योंकि हमें आखिर में इसको गूंदना है। जब तक हम इसको मिक्स कर सकते करते फिर हमें हाथ का इस्तेमाल करना है। अच्छा और 1 टेबल स्पून मैंने वो 1 टीस्पून मैंने ऑयल इसमें डाला था ना, आपने देखा था, अब जो ये बचा हुआ है ये अभी कितना इस्तेमाल होता है मैं आपको बताती हूँ। इसको हमें सिर्फ भूनने के लिए चाहिए, ठीक है। बस ये हमने मिक्सिंग करा और अब हमारा जो नेटिंग का अमल है वो हमारा मार्बल के स्लैब पे ही हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ अब इसको हम क्या कर रहे हैं। आप ये देखिए जो मिक्स किया हुआ था ये हम सारा इसके ऊपर निकाल लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इससे, मैं आपको मशीन का इस्तेमाल इसीलिए नहीं बताती हूँ कि हर कोई आराम से हाथ से घर में बना सके, मशीन की वजह से बहुत सारी चीज़ें सारी रह जाती हैं। अच्छा ये बेकिंग स्पैचुला कहलाता है, कुछ चीज़ें आप बेकिंग जब करें तो प्लीज़ उसको ले परचेज़ करें, इतनी महंगी नहीं होती लेकिन आपके काम को बहुत आसान कर देती हैं। अच्छा अभी हमने क्या करना है, इसको हमने मिक्स कर दिया ऐसे करके। अब ये थोड़ा सा देखें मैसी काम है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है इसमें आपको। ये आपने इसको समेटा और इसको हल्का सा, ये जितना ज़्यादा अच्छी नटिंग होगी ना उतनी आपका जो बन का रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। ये देखिए इसको आपने इस तरीके से करते जाना। अच्छा अब आपके पास जो ये बचा हुआ है ऑयल, ये हमने हल्का सा डाला, इसको हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे किया। ये देखिए इसको बस ये प्रोसेस आप देखें, ये हम 5 मिनट तक करेंगे। अच्छा सर्दियों में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो ब्रेड्स की चीज़ें होती हैं, इस तरह की ब्रेड हो गई और बन हो गए, इस तरह का बेकिंग का जो जिसमें हमें नेटिंग करनी पड़ती है, वो जो है ना ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि मौसम ऐसा है। और हम लोगों को ये हॉट इसलिए थोड़ा सा हल्का सा रखना पड़ता है वार्म, क्योंकि इसके फिर जो रिज़ल्ट हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। इसको अभी मैं कवर करके रखूँगी, ये देखिए जैसे स्मूथ सी आपकी, ये देखिए डो बन जाए आपकी, ये देखिए इस तरह से। आप जितनी अच्छी इसकी नेटिंग होगी ना उतनी अच्छी आपका रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए ये खुद ब खुद ये सिमटता चला जाता है इसको। इसमें मैं चाहूँ तो ये भी थोड़ा सा छिड़क दूँ, लेकिन उससे क्या होगा, हम ये स्वीट बन में कोशिश करते हैं कि ऑयल के ज़रिए काम करें, इसको खुश्की हम जो है ये मैदे की डस्ट कम करें। उसकी वजह ये होती है कि थोड़ा सा रेशो जो है ना बेकिंग में बहुत काउंटेबल होता है वो आउट हो जाता है। अच्छा ये हम बार बार थोड़ा थोड़ा करके इसी भी डालते हैं कि जब आप ये बन तैयार होंगे और बनाएंगे अपने तो आपको पता चलेगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, इसकी सॉफ्टनेस इसी से आएगी। एक साथ सारा डाल देंगे तो सॉफ्टनेस नहीं आएगी। जो बन आपके आप रख दें, इसको बनाएं आराम से और फ्रीज कर दें जब आपका दिल करे, हल्का सा आपने ओवन गर्म किया, नहीं भी किया माइक्रोवेव में गर्म कर लिया 30 सेकेंड के अंदर, ये ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आपका दिल करे आप बनाएँ रख दें और खाएँ इन्जॉय करें। 1 महीने तक इनको कुछ नहीं होता, इनकी फ्रीजर लाइफ, एक शेल्फ लाइफ इनकी 2 दिन है, आराम से बाहर रहेंगे कुछ नहीं होगा। कवर करके इनको क्लिंग लगा के रख दीजिए, इंडिविजुअल चाहें
या चाहें तो आप किसी बॉक्स में बंद करके रख लीजिए। ये देखिए इस तरह का ये बाउल हमारा, ये बॉल टाइप का हमारे पास तैयार हो गया। और इसको हमने क्या करा, जो हमारे पास ऑयल है सारा कुछ देखें उसी टेबल स्पून ऑयल से काम हो रहे। ये देखिए बस ये अब आपने इसमें हमने ये रख दिया, इसको कवर करके छोड़ते हैं और जब ये रेज हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि मज़ीद इसके साथ क्या प्रोसेस करना है। ये देखिए ये जो डो है हमारी ये रेज हो चुकी और देखिए कितनी अच्छी है। अब मैं आपके सामने ये ऑयल राउंड करके दिखाऊं, ये बिल्कुल ये बैठ गई। अच्छा अब हमारा, अब मैं आपको बताऊं उसके बाद क्या प्रोसेस करते हैं हम इसको। ये निकाल लिया हमने। अच्छा अब ये देखिए हल्का सा, वैसे तो इसमें बटरिंग इतनी हुई हुई है ऑयलिंग कि ये चिपकेगा नहीं। ये देखिए फिर हमने इसको दोबारा से ऐसे करके पंच डाउन कर दिया। अच्छा अब ये मैं आपको दिखाऊं कि ये मशीन है जिसके ऊपर हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से है, मैं आपको मेजरमेंट करूंगी फिर बताऊंगी कि कितने 30 ग्राम्स का मैं कर रही हूं तो कितने हमारे 30 ग्राम से बनेंगे। इस तरह से हम ऑन कर देते हैं इसको। आप उस वक्त तक कोई चीज़ मत रखिएगा जब ये आपको ऑप्शन देने लगेगा। ये देखिए अब ये ज़ीरो पर आ गया, तो अब जो है वो मैं आपको इसके बताऊँगी कि इसको। ये देखिए ये रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मेजरमेंट की मशीन होती है हमारे पास इस तरीके से, इससे हम मेजर करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा और इसको हमने ऑन कर दिया। जब ये ज़ीरो पर आता है फिर हम इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। वेट हमेशा हम उस वक्त रखते हैं। ये देखिए अब ये आ गया। अब मैं आपको सिर्फ बताना मकसद है किस तरीके से वेट करते हैं। मैं वेट करती जाऊँगी, आप देखिए ज़रा सा भी मैं टच करूँगी ये वेट उठाएगा तो बताना शुरू कर देगा। अब मैं आपको बताती हूँ, इसलिए सिर्फ बताने का मकसद है ताकि आपका जो भी चीज़ बना रहे आपके जो बन या बर्गर वो इवनली बने, हर एक बन जो है वो एक साइज़ का है। और कमर्शियल काम में भी मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ये जो रेसिपी दे रही हूँ ये आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, आराम से बनाइए बेचिए। और जो भी है इसका जो मेजरमेंट का तरीका, किस तरीके से आपने इसको एक कप को डिवाइडेड करना है कितने पोर्शंस में कि आपके पास बन के कितने पोर्शंस निकलेंगे, फिर उसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है, सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा आप देखिए आपने इस तरह से इसको कर लिया। अब आप ये भी कर सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से करें, ठीक है। इसमें हमने ये पोर्शन बना लिया आपने इस तरीके से, जितने भी साइजेस आपको दरकार हैं। लेकिन मैं आपको इससे भी ज़्यादा आसान प्रोसेस बता देती हूँ कि इसमें बार दफ़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये साइड जो है पतली आती है और ये साइड थोड़ी मोटी आती है। एक मैं आपको इससे करके बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए ये आपने उठाया, इसको रोल ऑन किया हमने, इस तरीके से हमने इसके पेड़े बनाए। ये देखिए बस ये कुछ भी नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, मशीन को ऑन करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कितने ग्राम का एक जा रहा है। अब मैं इसको यहाँ साइड में करती हूँ। मेरा मकसद है सिर्फ आपको ये बताना कि आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो। ये देखिए कितने ग्राम का आ रहा है, 29, अराउंड 29 to 30। अब हम एक ग्राम बढ़ाने के लिए हम इसको वो नहीं कर सकते, लेकिन चले मैं ये और कर देती हूँ। देखिए ज़रा सा बढ़ाया हमने तो इसको रुकने का वेट किया करें, कभी कभी ये इसको जज करने में थोड़ा सा अभी 32 पे हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम और कम करेंगे, आप जब बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तो ख़ुद ब खुद आपकी चीज़ें सेट हो जाएंगी। देखिए 31 हो गया ना, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 30, 31, 29 पे हो तो आप इसको वो कर लें। अब आपने क्या करा, हमने इसको सिंपल सा, अच्छा अब मैं इसको इधर करती हूँ, बाकी के मैं आपको बनाना बताती हूँ। इसको आपने कुछ नहीं करना, जब आपके पास ये 30 ग्राम आ गया तो हमने इसको ऐसे समेटते हुए ऐसे करेंगे आप इसको, और ये देखिए और हम इसका ये रोल बना के और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक को हमने इसमें रखा और ये ऐसे करके हमने हल्का सा, आपने ये ड्राई फ्लावर लिया हाथ को यूँ रखा और इसको हमने पंच डाउन कर दिया ऐसे बस, और कुछ नहीं करना। इस सारे प्रोसेस मैं आपके सामने करूँगी, फिलहाल अभी मैं ये सारे बनाऊँगी और इसमें रखती हूँ। एक मैं आपको तरीका और बता दूँ इसका, ये देखिए ये जो हमारे पास पटा ये पड़ा है, ये एक पोर्शन मैंने आपके सामने निकाला। अब आपने क्या करना है, इसमें से इसको आपने फिर ऐसे से मिला दिया इसको, और आपको अगर प्रॉब्लम उस तरह से हो रही है तो आपने इसमें से ये निकाला। ये देखिए पूरा 30 आया ये, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए इनफ है, ज़रूरी नहीं है कि हम ऊपर लें। हमारा पास अगर ये 30 का पोर्शन से आया है, बस ये दो आपको मैं बना के बताती हूँ, बाकी मैं सारे बताती हूँ आपको किस तरीके से बनेगा। देखिए
ये हमने फिर इसमें रख दिया। और हमने क्या करना है, ये हल्का सा ये लिया मैदा, डस्ट किया ये अपने यहाँ से, और इसको हमने पंच डाउन कर दिया। बस ये खुद बड़े प्यारा शेप पकड़ेंगे जब आप हो जाएंगे, ये रेज हो जाएंगे। मैं आपको फिर दिखाऊंगी, सारी चीज़ें आपके सामने करूंगी, कोई चीज़ भी हिडन नहीं है इसमें, कोई प्रोसेस भी। ये देखें, अब मैं आपको अब बाकी के सारे बनाती हूँ और आपको बताती हूँ। अच्छा, अब ये देखें, इस तरह के कोई भी मफिन ट्रे ले लें आप, कपकेक्स की ट्रे ले लें, उसको मैंने इस तरह से ब्रशिंग करके और मैदा छिड़क के, और जितना भी मैदा है आपने इसको निकाल लेना, इस तरीके से छाड़ के बिल्कुल साफ़ कर लेना, सिर्फ हमारे पास ये रह जाए इसके अंदर की, ठीक है ना। अब मैं जब बन बनाऊंगी तो क्या होगा कि इसमें किसी लाइनर की ज़रूरत नहीं है, किसी कप पेपर कप की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको बेक करेंगे तो ये अच्छा सा एक शेप भी दे देंगे। और जो कमर्शियल काम कर रहे होते हैं उनको फिर एक अंदाज़ा हो जाता है कि इवनली हर चीज़ एक साइज़ की आ गई, तो कॉस्टिंग करनी भी उनके लिए आसान हो जाती है। घरों में भी आप बनाएं तो इसी तरह से इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें तो आपके बड़े प्यारे से खूबसूरत से बनेंगे, जब आप सर्व कर रहे होंगे तो वो भी आपको बड़े अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ, उसके बाद ये प्रोसेस समझ लिया, अब हमारा प्रोसेस क्या होगा ये मैं बताती हूँ। अच्छा, अभी देखिए 30 ग्राम्स के मेरे पास 9 जो है वो इवनली बने हैं, पूरे 30 ग्राम के, एक मेरे पास बचा 16 ग्राम बचे थे मेरे पास, मैंने कहा छोटा सा एक वो भी बना के रख दूँ इसमें, लेकिन आप हम जो कॉस्टिंग करेंगे वो हम करेंगे नानी से, ठीक है। तो तकरीबन हमारे एक कप में 9 बन बने। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो घर में हम बन बनाएंगे तो एक कप मैदा आपके सामने, और अगर आप शुगर की एक प्राइस लगा लें और ऑयल की, जो मेजर चीज़ें गई हैं और इसमें कोई और बड़ी चीज़ नहीं गई है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि छोटी से मटेरियल के अंदर हमने 9 से 10 बन घर में बनाए। जब ये बन के तैयार होके रेज होके मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक कप मैदे के साथ हमने कितना कुछ जो है वो बना लिया, घर में कितनी अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ बनी है, ठीक है। मैं इसको रखती हूँ दोबारा से रेज होने के लिए, सेकंड स्टेप इसका। एक दफ़ा हमने फुलाने के लिए जब रखा, जब हमने ईस्ट डाला, अब उसको भून के हमने सारा कुछ करके ये शेप देने के बाद, अब हम उसके बाद दोबारा से इसको रखते हैं ताकि ये पूरी तरह से जब रेज होएंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी कि फिर क्या प्रोसेस करना है और फिर हमें उसके बाद कब ये बेकिंग के पर जाएगा, ठीक है। बेकिंग टेम्परेचर इसका 200 पे रखते हैं हमेशा, ज़्यादा रखते हैं हम लोग इसका केक की बेकिंग से, 200 पे रखते हैं इसका टेम्परेचर 200। उसके बाद हम जो इसको बेक करेंगे वो अराउंड 30 मिनट्स से पहले। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पास ये जो है बन तैयार है, और इनको देख के आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये कपकेक्स हैं, लेकिन ये बन है। इनकी सॉफ्टनर्स मैं दिखाऊँ, ये बच्चों के लिए मैंने बनाए जो स्वीट बन जो है वो, इनको ये देखिए, ये देखिए ये बिल्कुल वापस अपनी जगह पे आएंगे, ये इतने फ्लफी और सॉफ्ट होते हैं। बच्चों को आप चाय के साथ, स्नैक में, शाम को आप लंच बॉक्सेस में, मैंने एक आपके लिए कटिंग करके ये देखे रखा है, आपको आइडिया हो कि ये देखें इस तरह से ये पूरा है। और बच्चों को इसकी वजह से मैंने इतनी प्रेजेंटेशन इसलिए करती हूँ कि ताकि ये देखने में देखें कितने खूबसूरत लग रहे होंगे। इस तरह से आपने कपकेक्स के रैप्स में मैंने रख दिया, आप चाहें तो इसको हटा दें, निकाल दें, ये देखें, इसको आप चाहें तो गोल शेप दे दें बन को, ये देखें नीचे से देखें हर जगह से कितना अच्छा सा कलर इसके ऊपर आया है, और ये कितने दिखने में भी खूबसूरत। शाम में आप बनाएं, बच्चों को एंजॉय करेंगे बच्चे, और घर की साफ़ सुथरी बनी हुई चीज़ विदाउट एनीमिया, इस्तेमाल होता है अमोनिया इसके अंदर बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। ये ईस्ट के साथ हमने बनाया है, और रेसिपी को बस आप फॉलो कीजिएगा तो आपके भी इतने अच्छे बनेंगे। शेप आप कोई भी देना चाहें, आज मैंने आपको इस शेप के बताएँ और इस तरह से बताया मैंने पेपर कप्स में रख के, और बहुत सारे शेप्स में आपको सिखाऊंगी तो उसमें फिर आप ट्राई करते रहिएगा, रेसिपी भी थोड़ी डिफरेंट होती चली जाएगी। जो रेसिपी मैंने आपको ये बताई है इसको फॉलो करके आप ये बनाइए, इससे तकरीबन आपके एक कप मैदे के अंदर 8 देखिए कितने बड़े बड़े बन बने, ठीक है। 4-5 मैंने प्रेजेंटेशन के लिए रखे, टोटल जो बने वो 8 बने इस साइज़ के। इसको मैंने जो केक का पैन होता है कप केक्स का, उसमें रखे बेक किए ताकि इनकी जो शेप और ये सब चीज़ें खूबसूरत आए। अदरवाइज़ आप जो दिल चाहे शेप दे दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई वेजिटेबल, किसी नई रेमेडी को लेके। एक्यूमेल की किचन से हमें इजाज़त दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि रोज़ डेली बेसिस पर हम आपकी जो है वीडियोज़ को शूट कर रहे होते हैं आपके लिए, तो वो आप तक पहुँचे भी, ठीक है। फिर हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपने और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, उनको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे हमेशा की तरह, जो हम कहते हैं कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।